ूतन अग्ने जात वेद से स्वाहा इदम अग्ने जात वेद से ओम तंत्वा समृते न। और इन्होंने आज सुबह ही आश्रम में आकर के आग्रह किया कि महाराज जी, हम 10 वर्ष पहले मुसलमान बन गए थे, हम जोगी बिरादरी से हैं जिनको उपाध्याय भी कहते हैं, 10 साल पहले मुसलमान बन गए थे, हम अब पुनः सनातन धर्म में घर वापसी करना चाहते हैं, इसलिए आप आश्रम में हमारे लिए शुद्धि यज्ञ की व्यवस्था करो। फिर हमने इनके लिए शुद्धि यज्ञ की व्यवस्था करी, हवन किया, इनको सनातन धर्म में दीक्षित किया, इन्होंने आज सनातन धर्म में घर वापसी कर ली। किन की पहले धर्म परिवर्तन करा था, कौन थे जिन्होंने का धर्म परिवर्तन करा था, कहाँ के ये लोग हैं? ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले लोग हैं और 10 साल पहले मुजफ्फरनगर के ही मौलवी और मुस्लिम नेताओं ने इनका धर्मांतरण कराया था। नाम गरीब लोग है, नाम खोलना उचित नहीं है। आज इन्होंने 70 लोग है, ये बड़े माता बहने बुजुर्ग बच्चे, ये कुल मिला के 70 लोग है। और अब तक गत 1.5 वर्षों से इस योग साधना यशवीर आश्रम में लगातार घर वापसी अभियान चला हुआ है, बड़ी बड़ी संख्या में मुसलमान भाई बहन यहाँ घर वापसी कर रहे हैं। अभी तक 1100 के लगभग मुस्लिम भाई बहनों ने इस आश्रम में आकर के सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है। अब नाम बदले गए हैं, पहले 1-2 के नाम बताइए पहले थे, अब उनके नाम, अब इनके जो नाम रखे गए, पहले इनका नाम था, एक का नाम था नाहिद, उसका अब नाम रख दिया अरविंद कुमार। एक महिला का नाम था नाजिया, अब उसका नाम रख दिया गया कविता देवी। एक का नाम था गुलशन, उसका नाम रख दिया गया है अक्षय कुमार। तो ऐसे कई सारे अब इनके 70 लोग है ये, इनका 70 का नाम हिंदू धर्म के नाम, सनातन धर्म के नाम इनको दे दिए गए है। लगातार योगी सरकार में लगभग 1100 लोगों की धर्म वापसी हुई है, क्या कहेंगे, पहले क्या माहौल था और अब क्या है? देखो, पहले जो माहौल था, इस्लाम में जो भी हिंदू गए वे डर से गए या लालच से गए। अब पूरे भारत का बड़ा अनुकूल माहौल है, सनातन धर्म में इन लोगों की आस्था जाग रही है, क्योंकि भारत में एक बात स्पष्ट है, भारत में जितने भी मुसलमान हैं इनके सब पूर्वज हिंदू थे। अब इन लोगों की आस्था जाग रही है, और मैं तो पूरे भारत के मुसलमान भाई बहनों से एक आह्वान करना चाहता हूं, आपके पूर्वजों ने जो गलती करी डर से या लालच से, आप अपने पूर्वजों की गलती को सुधार करके पुनः सभी लोग सनातन धर्म में घर वापसी करिए, योग साधना यशवीर आश्रम में आपके शुद्धि यज्ञ की सारी व्यवस्था की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, BCR न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।